देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़। आपको बता दें मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में फायरिंग के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला हापुड़ रोड स्थित जाकिर कॉलोनी चमड़ा पैठ निवासी साबिर उर्फ सुल्तान 50 वर्षीय ने बताया कि क्षेत्र के रहने वाले एक युवक मकान कब्जा कर रखा है, जिससे करीब 2.5 वर्षों से विवाद चल रहा था। पीड़ित ने बताया कि शनिवार रात को हापुड़ रोड जाकिर कॉलोनी के पास अपनी गैस की दुकान पर बैठा था, तभी बाइक सवार नकाबपोश दो युवकों ने वहां पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई, जिसको देखकर आरोपी वहां से हथियार लहराते हुए हापुड़ की तरफ फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? साबिर सुल्तान। क्या हुआ था ये बताओ। मैं दुकान पर खड़ा हुआ था, मेरे पे आगे दो फायर गई, दो लोगों ने, एक मिस हो गई, एक में सिलेंडर रखा हुआ था उसमें लग गया। पैदल थे या बाइक पे थे? एक बाइक पे थे वो, एक बाइक स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, दूसरे ने गोली चलाई मेरे को। अच्छा, कोई विवाद चल रहा है आपका? मेरा किसी से कोई विवाद नहीं, बल्कि एक मकान है मेरा, उस पर उन्होंने कब्जा करा हुआ है, 2.5 साल से मेरा विवाद उस पर चल रहा है। किस समय की घटना है? 8:25 मिनट।